नमस्कार दोस्तों, मैं तुहाड़ा दोस्त मनु मोड़। दोस्तों, पंजाब पुलिस वालों जारी किया गया एक होर नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन यह तुहाड़े सामने है। दोस्तों, यह पंजाब पुलिस में आने वाली पोस्टा की जिहड़ी सैलरी डिटेल दसी हुई है, जिवें कि सब इंस्पैक्टर ASI हैड कॉन्सटेबल कॉन्सटेबल की सैलरी इस बार रिक्रूटमेंट क्लीयर करने तो बाद उन्हां दी रहेगी। पूरा नोटिफिकेशन तुहानू चंगी तरह ही रीड कराऊंगा। उस तो पहले जिहड़े सवाल आए ने, जिहड़े भी कमेंट मेरे कोल वीडियोज़ विच आए ने, उन्हां बारे आपां गल कर लैणा कि उन्हां दा आंसर की होवेगा। तां दोस्तों, एक बार जल्दी नाल जिहड़े भी सवाल तुहाडे पंजाब पुलिस जॉब रिलेटड है उन्हां बारे आपां देख लैणा किहड़े किहड़े सवाल ने। ये सारे कमेंट मेरी प्रीवियस पंजाब पुलिस रिलेटेड जी मैं वीडियो बनाई से उस भी आए हुए सर, तो सारे यह प्रॉब्लम जरूर होगी या यह डाउट माइंड में जरूर होगा। तो पहले सवाल की गल करिए, हैप्पी गिल ने पूछा हुआ है, भाई सैकेंड ईयर वाले सब इंस्पैक्टर लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? भी यह हाले तो कोई भी चैनल इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि जदों तक इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक नहीं जारी होंगे पोस्टों का, उदों जे इन्हां ने सर्टिफिकेट की फोटो खिंच के अपलोड करने वास्ते एक ऑप्शन दिता होया, जिवें तुहाडा ग्रैजुएशन कंप्लीट है तो उत्थे जदों आपां फॉर्म अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो उत्थे एक बॉक्स हुंदा है कि इत्थे अपनी जिहड़ी ग्रैजुएशन की फोटो डिग्री की फोटो खिंच के अपलोड करो। जे उह दिता होया तां तुसीं नहीं अप्लाई कर सकते सब इंस्पैक्टर की पोस्ट वास्ते। जे ऑनलाइन अप्लाई करन वेले इह कोलम नहीं हुंदा कि आपां सर्टिफिकेट या डिग्री की फोटो खिंच के अपलोड करनी है, तो तुसी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम हो जाएगा तो जदों डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की बारी आएगी उदों तक जिहड़ा कि तुहाडा रिजल्ट आ चुका होगा, तो तुसी अपने जिहड़े डिग्री की शो कर सकते हो उत्थे। तो इस तो बाद गोल्डी मेहरा ने पूछा है, सर जी बुक कितों मिलेगी? भी यह लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा दिते, जिहड़ी बेस्ट बुक है, यह बुक मैं खुद भी रीड की हुई है, तो तुसी भी यह रीड करके एग्जाम क्वालीफाई कर सकते हो। तो नैक्सट कमेंट की गल करिए, सर यह बुक अच्छी है या नहीं? बहुत बढ़िया बुक है, मैं खुद यह रीड की हुई है बुक, काफ़ी चंगी तरह सारा सिलेबस इन्होंने डिफाइन किया हुआ। तो नैक्सट कमेंट की गल करिए, सर कॉन्सटेबल का सिलेबस मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, इस रिलेटड ही सिलेबस कॉन्सटेबल का आएगा। तो इस तो बाद कुलविंदर सिंह का कमेंट है, सर कॉन्सटेबल की तैयारी बस यही बुक ठीक रहेगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया बुक है यह, तो काफ़ी हद तक तो सैटिस्फाई कर दी है, तो सिलेबस चंगी तरह कवर किया हुआ। इस तो बाद परव सिंह ने कमेंट किया हुआ, चंडीगढ़ पुलिस की बुक और सिलेबस जरूर सर मैं तुम्हें लिंक में प्रोवाइड करवा देंगे, वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस तो बाद रवि बांथ ने मैसेज किया तो अपना नंबर दिता हुआ, सर मैं एम ए तुहाडे कोल नहीं कर सकता, तुसी मेरी इंस्टा ID ते जां फेसबुक पेज से मेरे नाल गल कर सकते हो, जिसका लिंक मैं तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन जां स्क्रीन उपर यह शो हो रहा, इतने भी तुम चैक कर सकते हो। पिंदर कौर का एक कमेंट आया हुआ, सर हाइट 5'3" क्वालीफाइड है? हाँ जी मैम, जिहड़े भी फीमेल ने उन्हां वास्ते 5'3" तो उपर दे कैंडीडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो जिहड़े मेल ने उन्हां दी 5'8" तो उपर दे कैंडीडेट उसनूं अप्लाई कर सकते हैं। तो नैक्सट कमेंट की गल करिए, लवजिंदर चहल दा, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? सर अप्लाई तो कर सकते हैं, बट 10th विच पंजाबी पास होनी चाहिए है, जो भी कैंडीडेट इसनूं अप्लाई कर रहा, चाहे वह अदर स्टेट वाला है चाहे पंजाब स्टेट वाला है। इस तो बाद मनदीप कौर ने मैसेज किया, हैलो सर कॉन्सटेबल की तैयारी करने लिए आही बुक चाहिए है? हाँ, मैं ऑलरेडी इस बुक का लिंक जिहड़ा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता, उत्थे जाके तुसी परचेज कर सकते हो। जे किसी भी वीर ने हाले तक बाय नहीं की है तो Amazon से सीधी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो बाजार नालों जी बढ़िया रेट पर आपको इतने ऑनलाइन मिल जाती है। इस तो बाद आकाश राजपूत, टैसट पहला होगा कॉन्सटेबल का? जी जरूर, पहला टैसट होगा, फिर जिहड़ा क्वालीफाई करनगे उन्हां दा फिजिकल टैसट लिया जाएगा। इस तो बाद संदीप कुमार का एक कमेंट आया हुआ, रनिंग का ग्रुप कितने का होता है? सर पहला 2016 में जिहड़ी पोस्ट आई सी तां 20-20 कैंडीडेट रनिंग ग्रुप विच सी, ते इस बार हले कुछ कह नहीं सकते कोई भी, बट जल्दी ही तुहानूं जिवें ही नोटिफिकेशन आउंदा ऑफिशियली तुहानूं पूरी प्रोवाइड करवा देंगा इस रिलेटड भी। इस तो बाद अलोन का मैसेज आया, ब्रो PVI का मतलब क्या होंगे? वीर PVI शायद पंजाबी नूं कहिंदे, ओह PVI तुसी पुछ रहे हो। तो नैक्सट सवाल दी गल करिए, साहिल केशर जी ने पूछा हुआ कि भाजी डिप्लोमा कैंडीडेट कॉन्सटेबल की वैकेंसी वास्ते अप्लाई कर सकता है? देखो इन्होंने सिर्फ 12th पास मंगी है, उस तो बाद जो तुसी डिप्लोमा किया तो यस कर सकते हो, जो 10th तो बाद डिप्लोमा किया तो नहीं कर सकते कॉन्सटेबल की पोस्ट में अप्लाई। तो नैक्सट कमेंट की गल करिए, सर कॉन्सटेबल की बुक वास्ते दसो,
ਇਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਨੇਮ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਈਕ ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ? ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੋਸਤੋ ਜਰਨਲ ਵਾਸਤੇ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 33 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ, ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।